इस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ और बाहर आके आपको इस पॉइंट के व्यूज दिखाता हूँ। हामा में है, शहर से बाहर है और पुराना रेडियो स्टेशन डेनमार्क का मैंने आपको बताया था। अब ये नया जो है ये है, यहाँ पे उसकी बिल्डिंग है, इसको डीआर कहते हैं, डेनमार्क रेडियो। और ये इन्होंने सिक्योरिटी का यहाँ पे लगाया हुआ है, ये इससे गाड़ियाँ जो है अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें ये पूरी बिल्डिंग है इसकी। ये जिस प्लेस पे मैं हूँ वहाँ का ये मैप है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये प्लेस आप, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यानी मरकज़ है शहर का। और इसमें कहते हैं इसको डेनिश में रोहस प्लेसन कहते हैं, आप इंग्लिश में हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं या सेंटर ऑफ द सिटी कह सकते हैं। ये पूरा इसका, ये यहाँ पे फंक्शन भी होते हैं और ये इसका यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। और इसके अलावा ये जो है इसकी मेन एंट्रेंस वहाँ पे है। और इसके अंदर कमून यहाँ पे डेनिश में कहते हैं और आप उर्दू में उसको बल्दिया कह सकते हैं। तो यहाँ वो बल्दिया का मेंबर भी होते हैं उनके, और बल्दिया का जो मेयर होता है वो भी यहाँ पे उसका ऑफिस है अंदर में। और ये ऊपर इसके बहुत पुराने नक्शे नगार भी बनाए हुए हैं। यहाँ इसकी ये मेन एंट्रेंस है, ये मेन इसका दरवाज़ा है, बहुत पुराना बना हुआ है ये। और ये इसकी साइड्स के ये इसके ऊपर भी बना हुआ है, और इसके ऊपर भी ऑफिसेस हैं, नीचे भी हैं। और ये कमून जैसे आपको कहा है बल्दिया, उर्दू में कहेंगे बल्दिया, तो ये उसके लॉर्ड मेयर भी यहाँ पे अंदर होते हैं और उसके मेंबर्स भी होते हैं, बल्दिया के जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। और ये यहाँ पे फंक्शन होते हैं तो ये इस एरिया के अंदर होते हैं। ये इसके पिलर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बहुत पुराने स्टेचूज भी बने हुए हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं सारे। ये यहाँ पे इसके वही रोहस प्लेसन है और ये इसके स्टेचू बने हुए हैं, ये बहुत पुराने बने हुए हैं, यहाँ इन्होंने लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे इनका बना हुआ है। और ये आपको घड़ी की आवाज़ आ रही होगी, घड़ियाल ही कहते हैं इसको, बहुत बड़ा सा होता है, घड़ी तो छोटी होती है। तो ये जब एक घंटा पूरा होता है तो ये घड़ियाल बजता है। और ये सारा ये रोहस प्लेसन उसका एरिया है।
और ये एक स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे, बहुत मशहूर राइटर है उसका है। पहले नाम देखें इसका, होसी आनसन इसका नाम है। और ये स्टैचू बना हुआ है इसका, बहुत मशहूर डेनमार्क का ये राइटर, वो मुफक्कर भी कह सकते हैं। इसका नाम होसी आनसन है और इसी होसी आनसन के नाम पे ये जो सड़क है ये उसके नाम से है, इसको होसी आनसन बुलवार्ड कहते हैं। ये सड़क इसी के नाम से है, ये मेन सड़क है। ये जो राइटर है इसके नाम से है, ये इसका स्टैचू है और बहुत मशहूर है ये, उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं विज़िट करते हैं इसका। और यही गौस प्लेसिंग के पास ही है, देख सकते हो ये इसके हाथ में बुक भी है, तो पढ़ना लिखना जाहिर है इसका शौक था और सारी उम्र इसने पढ़ने लिखने में गुजारी। बहुत सी किताबें लिखी हैं इसने और अफसाने लिखे हुए हैं जो कि यहाँ इनकी बुक्स में हैं और ये उनको पढ़ते हैं और इसको बहुत बड़ा मुफक्किर मानते हैं ये। और कई बुक्स हैं इसकी जो इसने लिखी हैं और इसने अपनी ज़िंदगी वक्त पर दी थी पढ़ने लिखने के लिए, और पढ़ने लिखने में ही इसने सारी अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसके बाद ये मशहूर हुआ दुनिया में। और इसकी बहुत सी किताबें हैं यहाँ पे,